ये देखिए बीटर गार्ड करेला, देखिए और भी हो रहे हैं। आप मॉर्निंग का टाइम है और आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आलू को मैं कद्दूकस कर रही हूँ पराठों के बनाने के लिए, यानी कि आलू के पराठे बनाने के लिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो कैसे मैं बनाऊँगी आलू के पराठों को, इसको देखने के लिए आपने पूरा जो है वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो कद्दूकस करके इसलिए बना रही हूँ, इस तरह से ना बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट आपके पराठे बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैंने आलू सारे कद्दूकस कर लिए। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, नमक जो स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ मैं, मतलब मैं क्या मम्मी भी डालती है, हम लोग कभी भी कोई भी खाना बिना हल्दी के नहीं बनाते हैं, अच्छा नहीं मानते हम लोग। और गरम मसाला डालेंगे हाफ स्पून, और यहाँ पर ये मैंने डाला है सौंफ और जीरा, दोनों ही इस तरह से डालिए, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा जब आप पराठे खाएंगे बनाएंगे इस तरह से। और ये मैंने डाला है बारीक कटा हुआ ग्रीन कोरिएंडर एंड चिल्ली, तो दो मैंने ग्रीन चिल्ली काटी थी बिल्कुल बारीक, उसको काटा था। और इसको चलिए अब हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे हम, इसका डो बना लेंगे और पूरा मसाला हमने मिक्स कर लिया है ताकि अच्छा हमारा जो है पराठा बने, ठीक है। तो इसको चलिए मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पे जो है मेरा ये काम तो हो गया, अब चलते हैं दूसरी साइड, दूसरी साइड यानी कि गैस की तरफ ऑब्वियसली पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घी को जो है पहले ही मेल्ट करके कटोरी में निकाल लिया था। पराठे जो भी मैं बनाती हूँ घी में बनाती हूँ, रिफाइंड में या किसी और चीज़ में नहीं बनाती हूँ, वो टेस्ट भी नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता, हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं घी को मैंने जो है मेल्ट कर लिया, और ये देखिए डो मैंने बना लिया। अच्छा सा एक आपने डो लेना है, आपने उतना ही डो लेना है जितना आप जो है इसमें आलू की स्टफिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इस तरह से हम इसको बेल लेंगे अच्छे से, और फिर हम इसमें आलू का भरावा करेंगे यानी कि स्टफिंग करेंगे। जो हमने ये आलू बनाया है, मतलब पेस्ट बना रखा है हमने जो ये आलू का पराठे के लिए, तो इसको हम अच्छे से भरेंगे। देखिए हमारा डो और आलू उतना ही है, इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आटा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो जो मैंने किया है वही आपने भी करना है। क्या करना है कि ये थोड़ा सा आटा मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो इस तरह से हम इसको आटे को निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पराठे में जो एक्स्ट्रा आटा लगता है, मतलब यानी कभी कभी होता है ना कि वो आटा ज़्यादा आ रहा होता है, तो वो नहीं आएगा। और आपने इस तरह से इसको मतलब बंद करना है कि हवा जो है पूरी निकल जाए अंदर से, तभी आपका पराठा अच्छे से बनेगा, फूल के बनेगा और आलू भी पूरी तरह से पूरे पराठे में फैल जाएंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे हो गया है हमारा बेलना। अब तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें पहले हम तवे में थोड़ा सा जो हमने घी लिया है वो लगाएंगे, अच्छे से फैला देंगे, ताकि इससे क्या होगा हमारा जो पराठा है बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा बनने वाला है, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने एक और स्पून जो है घी का लगा दिया है, और अब हम पराठे हमने मैंने जो आलू का जो मैंने पराठा बेला था उसको मैंने तवे में फैला दिया है, और अब हम यहाँ पे दूसरे पराठे की तैयारी करते हैं। जब तक उसको बनने दीजिए तब तक हम यहाँ दूसरे पराठे की तैयारी करते हैं, और आपने इसको बिल्कुल आराम से लो मीडियम फ्लेम में बनाना है। ज़्यादा तेज़ में बनाएंगे तो पराठा जो है ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही आराम से। कहते हैं ना कि खाना हमेशा आराम से और प्यार से ही बनाना चाहिए, तभी खाने वाले का जो है सेहत भी अच्छा होता है, पेट भी भरता है और मन भी भरता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पराठा सिक गया है। अब हमने क्या करना है कि हम एक और स्पून या हाफ स्पून ऑयल, ये जो घी हमने लिया था ये लेंगे, और इसको अच्छे तरह से हम चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से फैलाने से क्या होगा कि जो साइड्स है ये भी अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको भी पकाना है, और देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा बन रहा है, क्रंची क्रंची सा बन रहा है। तो ये फ़िलहाल मैं बना रही हूँ पंकज के लिए, क्योंकि उन्हें आज है तो संडे, लेकिन फिर भी उन्हें चेकिंग में जाना है, बोर्ड की चेकिंग आ रखी, तो उनके लिए जाना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया कटोरी के ऊपर। कटोरी के ऊपर मैंने क्यों रखा है, इससे जो हमारे पराठे हैं नीचे से गीले नहीं होंगे, जो हो जाता है ना सौगी सा, वो नहीं होगा। तो लीजिए पंकज का नाश्ता रेडी कर दिया है मैंने, तो चलिए मैं उनको ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ, फिर आके आप लोगों से बात करती हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है आज भी, कल रात को खूब बारिश हुई है। ये देखिए कौवा जी,
गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत सारा सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज है संडे, संडे की सुबह है और देखिए हमारे फूल फ्लावर्स जो है कितने प्यारे हो रखे हैं। ये सारे जीनिया बोलते हैं इनको शायद ना, और इधर ये है लैक्टिजीनिया, ऐसे कुछ नाम बताया था हमारे भैया ने इसका। ये भी कितने प्यारे हो रखे हैं सारे फ्लावर्स, ये देखिए बहुत अच्छे हो रखे हैं गार्डन में आज। और ये देखिए शिमला मिर्च में अब फूल आने लग गए हैं, इसका मतलब है शिमला मिर्च भी आएगी। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए करेले में फूल, फूल ही नहीं फल भी आ चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गार्डन के फ्रेश फ्रेश, ये देखिए बीटर गार्ड करेला, देखिए और भी हो रखे हैं यहाँ पे अंदर, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे भी हो रखा है, एक दो तीन नीचे भी हो रखे हैं। तो ये सारे हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको निकालेंगे थोड़े चार पांच। और भिंडी में भी फ्लावर आने लग गए हैं अब। और ये है चौलाई का साग, एक बार हम खा चुके हैं, थोड़े से और हो जाएंगे फिर खाएंगे हम। और आंवला में भी इस बार भैया कह रहे थे फल आएगा। और ये तो है हमारा लेमन ग्रास, आपको बताया था मैं। तो यहाँ पे मैं भगवान का स्नान करा रही हूँ प्रभु जी को, आज कल के भगवान जी को जो है नहला रही हूँ, एक एक करके सभी भगवान को इसी तरह से नहलाऊंगी। तो स्नान सभी देवी देवताओं का हो चुका है, सबका मैंने स्नान करा दिया। और यहाँ पे अब मैं माता का श्रृंगार कर रही हूँ, उनके वस्त्र आभूषण सभी उनको पहना रही हूँ। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है ये। और यहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे नहा धो के जो है सत सवर रहे, अब उन्होंने वस्त्र पहना दिए, उनका मुकुट पहना दिया है मैंने उनको, तो उनका भी अब श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पे बांसुरी लेके बैठ गए हैं और यहाँ पे मैंने अष्टगन तिलक सब दिया, सब रेडी कर लिया है। और पुष्प से जो है, फूलों से भगवान जी का जो है श्रृंगार कर दिया है आज। और यहाँ पे अब मेरी पूजा हो रही है, तो पूजा जो है करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है, एक अलग तरह की शांति मिलती है। तो मुझे ऐसा मानना है मेरा कि 2 मिनट तो हमें ज़रूर भगवान के आगे बैठना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं भी आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये सिया और मेरा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है, तो मैं दही के साथ लूँगी और अचार भी लूँगी, सिया तो दही नहीं लेती है। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं देखती हूँ खुद खा के कैसा हुआ है, क्योंकि बाकी दूसरे लोग यही बोलते हैं ना अच्छा हुआ है, क्या पता डर के मारे बोलते होंगे, ये बोलेंगे कि मतलब खाने को ना मिला अगली बार ये बनाए ना। तो मैं पहले अपने आप में मतलब मुझे ये है कि मैं पहले खुद चेक करती हूँ। तो ये दही के साथ मैं खा रही हूँ, अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। जो इसमें हमने सौंफ और जीरा डाला था ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, और दही के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और दही भी मैंने घर में ही जमाया था। और मैंने चाय भी ली है, बट चाय मैं अभी नहीं पीऊँगी क्योंकि दही है, तो चाय को मैं लास्ट में लूँगी। तो फिलहाल मैं इन्जॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में आज क्या खाया मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये जो पिकल ले रखा है ना, बाहर बाइक जा रही है किसी की, ये अचार, ये सुरेखा मैम ने मतलब आंटी ने दिया था, सुरेखा मैम की मम्मी ने दिया था, और अभी भी है, बहुत सारा दिया था उन्होंने। मतलब वहाँ पे मुझे जब हम लोग पठानकोट में थे, हमें कुछ खाना होता था ना, मुझे साग या अचार कुछ भी, तो हम उनको ही कहते थे। वो बहुत खुशी से बना के देती थी, बल्कि अचार उन्होंने खुद दिया था, बहुत, मैंने उनको एक बार इतना कहा कि बहुत टेस्टी है, तो उन्होंने खुद ही मुझे दिया था। मतलब कुछ भी चीज़ हमें खाना होता तो हम उनको बोलते थे, वो बहुत खुश होकर बनाती थी हमारे लिए, और बहुत प्यार से भी, हाँ सही में प्यार से भी। मिस करते हैं हम उनको बहुत, तो देखते हैं उनको बुलाएंगे यहाँ पे अपने पास कभी, फिर आप लोगों को मिला। और ये सिया बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रही है अभी, और टाइम अभी हो रहा है, आपको सामने जो वॉच है वहाँ पे दिख रहा है, सबकी नज़र तेज़ी होगी, आप बता ही सकते हैं कि 5:45 हो चुका है टाइम। और पंकज अभी अभी आए हैं स्कूल से, आजकल चेकिंग में जा रहे हैं, वो बोर्ड की चेकिंग जो है स्टार्ट हो गई है, तो अभी आए हैं। और अब उनका आज ट्यूशन भी उन्होंने बुलाया था, मतलब एक्चुअली क्योंकि मॉर्निंग में बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल गए थे चेकिंग के लिए तो बुला नहीं पाए, तो अभी वो ऊपर गए हैं, तो अब मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। बन गई है हमारी चाय, और चलिए मैं पंकज को दे के आती हूँ चाय गरम गरम से। तो
चलिए लेके चलते हैं ऊपर, आवाज़ आ रही होगी आपको पढ़ाई की, तो कैमरा बंद कर लेती हूँ मैं। ऊपर चाय देने गई थी तो मैं ये कुछ बुक्स लेके आई हूँ, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी के। अब फर्स्ट से मैं भी पढ़ाऊँगी इनको, तो अभी पहले देखती हूँ मैं कैसी है बुक, फिर मैं थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं खुद ही, है ना, फिर पढ़ाते हैं बच्चों को अच्छे से। अफ़गानी चिकन बनाने के लिए हमें, या आप अफ़गानी के चिकन बोलिए या वाइट सॉस चिकन बोलिए, हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी सामान चाहिए, यहाँ पे हमने रेडी कर रखा है। काली मिर्च ले रखा है, देखिए इसको भी हम लोग पीस के पाउडर बना लेंगे। काजू ले लीजिए आप, इसका भी हमने पेस्ट बनाना है। ऑनियन, गार्लिक और जिंजर, इन सब का पेस्ट बनेगा, इन सब का तो पेस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है गरम मसाला और सॉल्ट, कसूरी मेथी, और एक और चीज़ मैंने अभी रखा नहीं है, मैं भूल गई हूँ, अभी मैं रखती हूँ, तो वो है हमारा चाट मसाला, तो उसको भी हमने रखेंगे, ठीक है। और साथ में हमें चाहिए यहाँ पे योगर्ट, यानी कि दही, क्रीम एंड दूध, तो वो जब अब हम मैरिनेट करेंगे वो सब मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैरिनेट करना। तो यहाँ पे मैंने होल चिकन लिया है, यानी कि ये पूरा ही चिकन मैंने ले रखा है, और इसको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने हाफ एन आवर पहले ही निकाल के रख लिया था, ताकि इसका जो है पानी सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बड़े से, ये आप थाली कहिए, हम परात कहते हैं, इसमें फैला लिया है, ताकि अच्छे से मैं इसका जो मैरिनेशन है वो कर सकूँ। ये तो आप सभी को पता होगा जो लोग खाते होंगे या बनाते होंगे, या जिन्होंने नहीं भी बनाया तो मैं उनको बता दूँ कि अफ़गानी चिकन को भी हमें पहले मैरिनेट करके रखना पड़ता है, तभी इसका टेस्ट अच्छा, बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है योगर्ट, यानी कि ये योगर्ट लिया है मैंने कम से कम 2.5, मतलब किलो नहीं, 250 ग्राम मैंने जो है योगर्ट लिया है। और उसके बाद मैंने उतना ही ये क्रीम भी लिया है, क्रीम मैंने फ्रेश क्रीम निकाला है ये, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। उसके बाद हम लेंगे सेम क्वांटिटी में, यानी कि जितना हमने दही लिया था 250 ग्राम, उतना ही हम इसमें दूध भी डालेंगे, तो इसका भी जो है अलग ही टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हमने इसमें लिया है काली मिर्च, आप देख सकते हैं कि काली मिर्च मैंने पहले रखा था, तो इसको कूट के डाला है। ये 1 बिग स्पून, यानी कि एक जो बड़ा चम्मच होता है उसका है। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच गरम मसाला, अच्छा इसमें धनिया पाउडर या बाकी कुछ नहीं डलेगा। और ये है 1 चम्मच 1 स्पून जो है चाट मसाला मैंने डाला है इसमें। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने रखा है कसूरी मेथी, तो इसको भी डालना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का अलग फ्लेवर, अलग टेस्ट आएगा। और ये है हमारा काजू और लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये भी ज़रूरी है, स्किप कोई भी मसाला मत कीजिएगा प्लीज़। और ये है हमारा ऑनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट है, तो ये यहाँ पे हमारे मसाले पूरे होते हैं। लेकिन नमक के बिना तो खाना अधूरा ही है ना, तो ये लीजिए नमक भी हमने डाल दिया है। तो चलिए अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें लेमन डालना चाहते हैं तो आप एक लेमन, जो पूरा लेमन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं डाले, क्योंकि पंकज को और सिया को इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है। और देखिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि हर एक चिकन पीस में जो है आपका मसाला लगना चाहिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छा से रेडी हो। तो इस तरह से अब मैंने इसको पूरा, देखिए आप देख सकते हैं, मिक्स कर दिया है। सारे चिकन पीसेज में जो है हमारा जो मसाला हमने बनाया है वो रेडी जो है अच्छे से बन गया है, लग गया है। तो अब हम इसको हाफ एन आवर, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 आवर के लिए भी इस तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ओके। तो यहाँ पे 1 आवर हो चुका है, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और ऑयल हमने गरम कर लिया है कढ़ाई पे अपने। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि तेल गरम होते ही हम एक एक करके, यानी कि 1 बाय 1, हम इसमें कढ़ाई में तेल गरम होने का इंतज़ार कीजिए। ठंडे तेल में बिल्कुल मत डालिए, तेल आपका अच्छा बिल्कुल बढ़िया वाला गरम होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल बढ़िया गरम है, तो इसमें हमने जो है एक एक करके इस तरह से सारे पीसेस डाल देने हैं। सारे मतलब इसका नहीं कि आपने पूरा का पूरा ही थाली यहाँ पर पलट दिया, जितने की कढ़ाई की गुंजाइश है, जितने पीसेस हमारे कढ़ाई में फिट आए, जितने पीसेस कढ़ाई में आ जाए एक बार में। तो इस तरह से आपने इसमें पीसेस डाल लिए, अच्छे से इसको भूनिए रेड होने तक, आराम से भूनिए।
आपका जो फ्लेम है लो मीडियम फ्लेम होना चाहिए। हाई में रखेंगे तो चिकन पीसेस का जो है जलने का डर रहेगा, इसलिए जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से पकाना है। जैसा कि मैंने सुबह भी आपको कहा था कि खाना जो है बहुत आराम से और प्यार से बनना चाहिए, जिस भाव से खाना बनाएंगे उसी भाव से खाना बनता है जी। बिल्कुल प्यार से बनाएंगे तो प्यार से जो है पेट बनेगा और सेहत भी बनेगी, और अगर गुस्से से बनाएंगे ना खाना तो खाना कड़वा ही होगा और स्वाद भी कड़वा। तो यहाँ देखिए चिकन पीसेस हमारे हो रहे हैं और इसको हम धीरे धीरे आराम आराम से पलटेंगे। आप याद रखिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज ये ख़राब हो सकता है, चिकन पीसेस उसी में लग जाएंगे। तो बहुत आराम से भी कुछ पीसेस जो है वो हो चुके हैं, जो हो गए हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट डालेंगे हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। तो पहले हम इनको निकाल देते हैं, जो हमारे ये चिकन जो आपको देख रहे हैं फ्राई हो चुके हैं, रेड रेड हो गए हैं। चलिए तो ये लीजिए सारे पीसेस जो है रेडी हो चुके हैं, सबको ही हमने जो है फ्राई कर लिया है और रेडी हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो कढ़ाई में हमारा बचा हुआ ऑयल है उसी में जो हमने मसाला बनाया था यानी कि जिस मसाले में हमने मैरिनेट किया था वो तो हमारा बचा हुआ है, तो उसको ही हमने इस कढ़ाई में पलट देना है यानी कि उसको अब हम पकाएंगे। यानी कि उसके पकने के बाद यानी कि जो मसाला हमने बनाया था वो हम पकाएंगे। कम से कम आपने 5 to 10 मिनट इसको आराम से पकने देना है, लो मीडियम फ्लेम में बनाएंगे इसे और इसको रेडी करेंगे। तो ये लीजिए देखिए चिकन हमारा वाइट सॉस चिकन बोलिए, सिया इसे वाइट सॉस चिकन बोलती है, वैसे अफ़गानी चिकन है, रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। जी जी हमारा जो वाइट सॉस चिकन है वो रेडी हो चुका है और मैंने इसको थोड़ा ग्रेवी रखा है क्योंकि इन लोगों सबको ग्रेवी चाहिए होता है। तो चलिए खा के देखते हैं, पहले पंकज को टेस्ट कराते हैं। तो ये चपाती दे देते हैं हम इनको, राइस भी बना रखा है। बहुत बढ़िया, मैं तो सोच रहा हूँ आगे से घर में बनाएंगे, घर में हाँ होटल से नहीं लाएंगे। मुझे पानी बाहर निकल रहा है, इतना टेस्टी है। अभी पानी बहुत टेस्टी इनको खाने के लिए दे दिया है, उसके बाद भी जो है बहुत बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। अच्छा तो मैं सिया को भी देती हूँ, फिर उसका भी रिव्यू लेते हैं। तो अब हम सिया का रिव्यू लेते हैं, सिया बताएगी हमें कैसा हुआ है। चलो आप खाओ बताओ। बताओ क्या हुआ? बहुत टेस्टी है, बढ़िया, मतलब जो रेस्टोरेंट्स का होता है ना उससे भी ज्यादा टेस्टी है। ओके थैंक यू। तो चलिए जी फिर इन लोगों को तो बहुत अच्छा लगा यानी कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। मैंने तो खत्म भी कर दी। अच्छा इन्होंने ख़त्म भी कर दिया, इनको और देना है। तो फिर मैं अब इन लोगों को अच्छे से डिनर करा लेती हूँ और मैं भी डिनर करती हूँ। वैसे भी हमारा खाने के अलावा कोई काम नहीं है, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। तो भैया इंसान ज़िंदगी में जो काम करता है वो खाने के लिए ही करता है और काम भी हम करते हैं ये सभी जानते हैं। तो खैर मुझे ऐसे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और हाँ सिया कह रही है शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश होने वाली है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, छाता और रेनकोट तैयार रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।